एक अच्छा आदर्श परिवार कैसा होता है, कितने प्रेमपूर्ण होते हैं, कितने रिश्ते निभाने में सफल होते हैं, और उनके अंदर क्षमा करने का गुण कितना होता है, और रिश्ते निभाने में जरूरी चीज़ होती है बर्दाश्त करना। जो जितना अच्छा बर्दाश्त कर लेता है, एक दूसरे को निभाना जानता है, उनका रिश्ता मजबूत रहता है। और जिनके दिल में प्यार बहुत होता है वो रिश्ता निभाना जानते हैं। प्रेम माफी मांगना पसंद करता है। अहंकार माफी मंगवाना पसंद करता है। प्रेम जोड़ता है। रिश्ते तोड़ने का काम अहंकार करता है। बर्दाश्त रिश्तों की ईंटों के बीच वो सीमेंट है जो ईंटों को जोड़े रखती है और रिश्तों के भवन को खड़ा करती है। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं तो हमारा परिवार चलता है। ऐसे लिखते जाना आप। और लिखना कि अगर कोई सही होकर भी माफी मांगता है तो इसका मतलब ये नहीं है वो दबाव में है, कमजोर है। नहीं, उसे पता है कि मेरे अहंकार से ज्यादा कीमती मेरा रिश्ता कीमती है। उसके लिए हजार बार झुका जा सकता है, पर मैं अपने रिश्ते को टूटता हुआ नहीं देखना चाहता। ऐसी चीजें लिखो डायरी के पन्ने में। उसके बाद अगले पन्ने में लिखना आप कहाँ खड़े हैं। ठीक है, अब मैं आगे बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपको संकेत करता हूं। जहां आप खड़े हैं, जो आप करते हैं, संस्कृत के कवि ने लिखा ना, सर्वे यत्र विनेतार सर्वे मानम इच्छन्ति। जिस घर में सारे लीडर हों, सबको अपना अपना मान पसंद हो, सबके अपने अपने स्वार्थ हों, ऐसा घर टिका नहीं करता। तो सारी चीजें लिखने के बाद आप ये जरूर लिख लेना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। एक मीठा कुआ अगर पूरे बंजर जमीन में मीठे पानी का एक कुआ भी हो, सारी जमीन को हरा भरा कर देता। अगर आप एक अकेले भी कोशिश करेंगे, आपका बंजर जैसा घर भी हरा भरा जरूर रहेगा। मैं ही क्यों, दूसरे क्यों नहीं, इस बात को कभी नहीं सोचना। जिम्मेदार एक आदि होता है। हर कंपनी में दो चार जिम्मेदार होते हैं जो उस कंपनी को आगे बढ़ाया करते हैं। रेल के डिब्बों को खींचने वाला इंजन एक ही हुआ करता है। एक ही कोई आदमी बने घर में जो आप अपने जीवन की गाड़ी को खींच के आगे लेके।